जब तक आई मैं अपनी पेंटिंग्स ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, अब तक मुझे बहुत कुछ मिले है ना। कि अच्छा ही मिला बच्चा, बता दे चुप कर। हाँ पापा, अच्छा आना, आना को आ गई है काउंटिंग। 1 2 1 2 आना कैची। 1 2 2 2 सुना आपने? टू। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाने से पहले आज ये आयदा से मिले, आई रुक, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं कि मेरे जो बच्चे हैं वो किस तरह दूध पीते हैं। ये एक चम्मच से आयरा को मैं अब दूध पिलाने लगी हूँ। आयरा, दिस इज़ योर स्पून। तो ये रहा जी इसका फीडर। इसके लिए जी मैंने हर तरह के फीडर लिए जी, टोमी टिपी हो गया और कौन सा ब्रांड हो गया। हाय आयमा, हाउ आर यू? शी सेइंग टुडे वी विल ईट समथिंग एंड दैट द समथिंग इज व्हाट? आयमा ने मैकडॉनल्ड्स ऑर्डर किया है, आयमा इज जस्ट वेटिंग फॉर इट। नॉट ओनली मी, मामा एंड हाय आयरा इज आल्सो वांट टू से समथिंग। चले जी मैं अब आयरा को ये दूध पिलाऊं। मैं वो बता रही थी आपको, आयमा ने टोमी टिपी, आयरा ने टोमी टिपी का फीडर लिया हुआ है, उसका पूरा सेट्स है हमारे पास। बट मेरी बेटी को ये 100 रुपए वाले शील्ड के फीडर में दूध पी के मजा आता है। ये सेम मसला मेरे दोनों बच्चों के साथ, आयमा भी ऐसी थी और ये आना मिला भी। चले जी मैं इसे जरा दूध पिलाऊं, फिर मैं आपसे बाकी सब। मैकडॉनल्ड्स वाले का मैसेज कॉल आई थी कि मैं आ गया हूँ और मैं गेट पे खड़ी वेट कर रही हूँ। नो कॉल, रात का वक्त है, ये देखें कितनी देर रात। तो मुझे इस वक्त सद मन आ गया गेट खोलने से, तो मैं गेट के ऊपर से अपना जो ऑर्डर है वो रिसीव करना है और उसको घर नहीं मिल रहा और मेरे पास बैलेंस नहीं है। डबल प्रॉब्लम सर, मुझे एक तो मैसेज नहीं पढ़ना आता। जी व्यूअर्स, फाइनली मेरा मैकडॉनल्ड्स का ऑर्डर आ गया है। तो हमने मंगवाया है, डील चल रही थी उधर फूड पांडा पे 750 वाली, तो वो मंगवाई है। हाँ मैं आपको बता रही थी मैकडॉनल्ड्स की डील चल रही थी 750 में, 2 स्पाइसी बर्गर्स की और एक थी स्पाइसी बाइट्स या चिकन बाइट्स के नाम से 300 में। तो मैंने कहा वो भी ट्राई करते हैं, आयरा भी लेना शुरू करे तो भी दूँ। फिर बर्तन किचन में आया और बर्तन ना बचे तो वो कहते ना पांडे नहीं बचते थे, जोर ही किया है, वो वाला हिसाब हो गया। मैंने कहा ट्रे में मैं आपके सामने ही निकाल लूँ आयमा से अपनी मील। ये सीन है और शॉप पर मैंने आप लोगों के सबके सामने सजा दी है। आज मैं और आयमा पार्टी करने लगे हैं, मिनी पार्टी, माँ बेटी। अच्छा ये है चिकन बाइट्स का अच्छा पैकेट, तस्वीर में इतनी बड़ी बड़ी लगाई हुई है और अंदर से ये निकली हैं। आयमा जरा देखना अंदर से क्या निकली हैं, छोटी छोटी सी बाइट्स। खैर लेट्स सी, ट्राई करते हैं। कहता आयरा कोई अच्छी बात है, आयमा मुझे हमेशा कहती है मुझे आप खाते हैं खाना मंगवा के, रेस्टोरेंट सर्विस रेस्टोरेंट सर्विस। तो आज मैंने उसी की तैयारी की। आयमा इधर आके देखो, ये देखिए मैंने ना पूरी रेस्टोरेंट ऐसी ही ट्रे अपने तौर पर आयमा के लिए तैयार की है, आपको भी दिखाती हूँ। ये देखिए, देखो टेस्ट करके बताओ सबको कैसी है। गुड, चिकन मैक बाइट्स। चलें मैं आपको फिर, अब मैं भी अपनी मील एंजॉय कर लूँ, फिर आपसे दिखाओ ना जरा सबको। यू लाइक इट आयरा? नो आयरा, मैक बाइट्स यम्मी है। अच्छा ठीक है, गुड। मैं भी अपनी बाइट ले लूँगा, कब से मैंने सबर किया है। आई कांट। जी व्यूअर्स, आई एम बैक। मैंने कुछ ना ऑर्डर्स किए हुए थे, तो उनमें से एक ऑर्डर आया है आयरा के लिए, किया था लिटिल प्लैनेट का। अच्छा इसका साथ ना मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। हुआ ये कि जब आयरा पिछले साल पैदा हुई ना, पता नहीं इस प्लास्टिक का क्या है, हाथ पर आ रही हूँ तो फील हो रहा है। अच्छा जब आयरा पैदा हुई तो मैंने इसके नाइट सूट मंगवाए, क्योंकि सितंबर था तब, वो बड़े अच्छे रहे, मैंने ना ऑर्डर दे दिया पैक, तो 600-700 करके थे, बड़े अच्छे रहे वो, अच्छा वो था। तो मेरा पैकेट बहुत अच्छा रहा और एक्सपीरियंस भी बड़ा अच्छा रहा। मैंने कहा उनका ऑफ भी चल रहा है और गर्मियाँ आने ही वाली हैं, अब बंदा सर्दियों की छोड़ के गर्मियों की ज़्यादा तैयारी शुरू कर देना, तो फिर मैंने ये ऑर्डर दिया है लिटिल प्लैनेट का। अच्छा खोलती हूँ, देखती हूँ क्या निकलता है, फिर मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि अंदर से क्या निकलता है। जी व्यूअर्स, तो ये मेरा पैक ओपन हो गया है लिटिल प्लैनेट का। इसमें बहुत ही क्यूट से 3 नाइट सूट्स मैंने आयरन के लिए मंगवाए हैं, बटन्स लगे हुए हैं, तो ये खोल के पहनाना बहुत ईजी है। सेट ट्राउजर्स, फैब्रिक इज़ रियली सॉफ्ट, मतलब ये कि एसी में जैसे सर्दियों में आप बच्चों का को पता ना कम, आप समर ब्लैंकेट भी दें तो वो उतार के फेंक देते हैं, तो मेरे ख्याल से बेस्ट है। आई एम जस्ट लविंग देम। 1 2 3 नाइट सूट्स इन जस्ट 1900, वाओ
वेरी सॉफ्ट. अच्छा फैब्रिक मज़े की चीज़ ये है कि हैंगर में हैंग हुए हैं. आई स्वेयर मिनी फाइनर्स वालों थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए. कभी जो ऐसे अच्छी पैकिंग के साथ दें उतार के फैब्रिक देते हैं. कल तो देखिए आयमा का मैंने ऑर्डर मंगवाया आउटफिटर से 6 to 7 का, तो इतने बदतमीज़ हैं उसका टैग भी उतरा हुआ है और वो 5 to 6 वाले बैग में. तो मुझे ज़रा लगा मैंने कहा है 5 to 6 मैंने छोटा साइज़ मंगवा लिया इसका, लेकिन जब वो देखा तो वो आयमा का ही था. बट उनके साथ बच्चा पार्टी मेरी इधर बैठी खेल रही है, इनकी बड़ी नवाजिश है कि इन्होंने मुझे बनाने दिया है वीडियो. मैं आपको दिखाती हूँ ये क्या खेल रही हैं. जी ये मेरे बच्चा बैठे खेल रहे हैं. ये आयरा के डर से मैंने सोफों के ऊपर चादरें डाली हुई हैं और आयरा को जिस मर्ज़ी चीज़ में आप डाल दें. आजकल मेरे पास कुछ भी नहीं था, बास्केट नहीं थी, तो मैंने ये एक बाल्टी पड़ी हुई थी उसमें इनके टॉयज डाल दिए. आयरा को आई माइक मिनट क्वाइट आयरा को आदत है हर चीज़ उड़ाने की. अभी आपको मैं इसका डेमो दिखाती हूँ, थोड़ा सा खेलेगी उसके बाद उसकी क्वैक क्वैक. आई माइट एक मिनट आयरा उछालो मेरा बेटा शाबाश अपने टिपिकल तरीके से. कैसे दिस इज द वे आयरा उछालती है टॉयज. अभी वो उछाल उछूल के दिखाएगी. अच्छा मेरा एक और पार्सल आया हुआ था जो कि मेरा हॉट फेवरेट ऑर्डर है. मैंने उसको ट्राई किया पहले सरगोधा में. मैंने अपनी बहन ने मुझे कहा कि इस तरह करके ना एक परफ्यूम है उसकी बहुत अच्छी खुशबू है तो ना हम खरीदते हैं. तो हम उन दिनों विंटर वेकेशन पे मम्मी की तरफ गए हुए थे सरगोधा, तो उन्होंने मुझे स्मेल दिखाई उसकी बहुत अच्छी थी. तो मैं तो मतलब ना मुझे बहुत शौक है अच्छे अच्छे परफ्यूम्स कलेक्ट करने का. मैंने काफ़ी अच्छी कलेक्शन की हुई है. बाहर से आते हैं, बाहर से ले आते हैं गिफ्ट्स. बहनें आ जाती हैं मेरी और खाला हैं, वो भी देती रहती हैं बाहर के परफ्यूम्स. खैर अब फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना यहाँ से भी अब तो अच्छे परफ्यूम मिलते हैं. तो मुझे उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया सफ़ायर का परफ्यूम. आई स्वेयर वो 3000 का था उसकी ना. मुझे तो बंदी ने कहा है अवेलेबल है और जब हम दोनों बहनें ज़रा क्रेजी हो गए ना उसने वो मुझे लगता है बोतलें ही छुपा ली. खैर इन शॉर्ट में मेरी बहन मार्केट गई तो उसे मिला, उसने मुझे कॉल की कि तुम्हारे लिए भी ले लो एक पैकेट. मैंने कहा हाँ प्लीज़ ले लो. तो मैं अब वो ओपन करने लगी हूँ, मैं आपको वो दिखाती हूँ कैसा है. परफ्यूम है जी सफ़ायर का जिसके बारे में आपको मैं रिव्यू देने लगी हूँ उस वक्त. बहुत अच्छा है. सो इसकी पैकिंग भी अच्छी है. लेट्स ओपन इट. लेट्स ओपन इट. नाइस बहुत अच्छा लग रहा है. पता नहीं बॉटल इसकी कैसी होगी. आई एम एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड. फॉर इट वाओ आई एम सी. अच्छा मैं आपको इसकी फ्रेग्रेंस का बताती हूँ किस किस्म की है. ओ माय गॉड आयमा कैसी है स्मेल इसकी. मुझे इसकी स्मेल बिल्कुल कूल वाटर टाइप लग रही है, लाइट सी कोल्ड कोल्ड. सो प्लीज़ आप लोग भी ऑर्डर करें और इन्जॉय करें. समर्स में तो बहुत अच्छा ही कॉम्प्लीमेंट करेगा लॉन के ड्रेस के साथ. जी वियर्स तो प्लीज़ ये बहुत अच्छा सैफायर का परफ्यूम है, आप सब लोग भी ऑर्डर करें. नहीं आई कांट वेस्ट. अच्छा मैं सोच रही हूँ कि मैं क्यों ना एक दिन वीडियो बनाऊँ अपनी डेली रूटीन पे कि आयमा को मैं लंच क्या देती हूँ और आयमा के साथ मेरा पूरा डे क्या स्पेंड करती हूँ. आयमा हो गई अपसेट कि आयरा के नाइट सूट्स आपने दिखा दिए हैं अपनी यूट्यूब फैमिली को और मेरे रहने दिए हैं. इधर आओ ना. अच्छा एक स्माइल तो दे दो. इधर एक स्माइल यार, इधर आना यार, इधर आओ. ये देखें आयमा का ऐड. अच्छा आयमा बेटा तेरे तो हमेशा ही मतलब रहने तू सैड ही रहेगी. तो मैंने कहा मैं तब तक थोड़ी सी एक खा लूँ. मैं कह रही हूँ ना तुम्हारी मैं अलहदा से वीडियो बना के अपलोड करूँगी. इसके हमेशा अनहैप्पी चाइल्ड है मेरा. इसके लिए मैं जो भी कर दूँ, मैं जान भी दे दूँ ना ये खुश नहीं रहेगी. आप सब लोग अपने घरों में इंजॉय करें विंटर जैसे हम कह रहे हैं. मेरा मोटू तो हाँ आयमा के जो शॉपिंग की है ना उसके ऊपर भी वीडियो में बनाऊंगी. ठीक है जल्दी अपलोड करूंगी व्लॉग. बल्कि मैं सोच रही हूँ डेली के व्लॉग्स बनाया करूँ ना. मैं अपनी और अपने बच्चों की डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँ इंशाल्लाह वेरी सून. आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. थोड़ी सी अभी तो हमने आयमा का बेडरूम सेट करना है जी, बहुत प्यारा. उसके लिए आपने हमें सजेशंस देनी है. मैंने खुद बहुत प्यारी पेंटिंग्स बनाई हुई हैं. एमी इज सच अ गुड आर्टिस्ट. एमी के दिखाएंगे. अच्छा एमी जल्दी से लेके आओ बाय बाय करने से पहले. व्यूअर्स
आप लोगों को मैं आयमा की एक बहुत प्यारी पेंटिंग है वो दिखाऊं। आयमा लेके आओ जल्दी से। जब तक आयमा अपनी पेंटिंग्स ऑर्गेनाइज कर रही है आप लोग मुझे बहुत कुछ मिलो। आना के अच्छा ही मिला बच्चा बता दे चुपको। हाँ पापा अच्छा आना आना को आ गई है काउंटिंग। वन टू वन टू आना के अच्छी वन टू 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 सुना आपने टू। अच्छा आयमा की सारी पेंटिंग्स मैं आपको दिखाती हूँ बट ये वाली जो है ना ये मेरी सबसे फेवरेट है। ये आयरू ने इसके ऊपर कुछ लगा दिया बट वी विल वर्क ऑन इट एंड वी विल मेक इट क्लीन अगेन। बाकी मैं आपको जल्दी से दिखाती हूँ। ये आयमा ने अपनी पेंटिंग्स रख बनाई हैं। छोटू को तो पकड़ो मां। छोटू को उतारो आप मैं दिखाती हूँ। ये देखें आयमा ने अपनी छोटी सी मिनी आर्ट गैलरी बनाई हुई है। मीमी की अपनी पेंटिंग्स हैं। एमी ब्लेंडिंग बहुत प्यारी करती है कलर्स की। एमी चलो बाय बाय कर देती मैं आपको बता दूं पहले। हाँ बताओ जल्दी से। एक बात बताऊं मेरे पास एक सीक्रेट पेंटिंग भी है जो आपको भी। कौन सी? यहाँ पर भी नहीं वो बहुत सीक्रेट ही है। अच्छा चलो ठीक है। ओके व्यूअर्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे प्लीज सजेशंस दें कि मैं और किस टॉपिक्स पे बनाऊँ और मैं अब जरा अपने इन जो शरारती बच्चे हैं इनको संभालूँ। और आयमा की सीक्रेट पेंटिंग जी प्लीज़ वेट कीजिएगा वो क्या निकलती है वो भी मैं एक दिन आपसे शेयर करूँगी। बाय बाय।